दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक एमटीके में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप सभी से कुछ कंपनीज की डेटा प्लान्स के बारे में। रिलायंस जियो वर्सेस यहां पे चार कंपनियां होने वाली हैं, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और बीएसएनएल। चारों कंपनियां जो हैं ये चार धुरंधर इंडियन मार्केट के जियो के आने के पहले जियो से लड़ने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। ना मैं इस समय जियो की तारीफ करने वाला हूं ना किसी और कंपनीज की तारीफ करने वाला हूं। यहां पर मैं आपसे बात करूंगा जितने भी ये चार कंपनीज एक तरफ और ये पांचवी हमारे जियो एक तरफ डेटा प्लान जो लॉन्च कर रही है उनमें कितनी सारी कंफ्यूजन, 350 से लेकर 400 के बीच में कौन सा डेटा प्लान चूज करें। अगर आपके पास सिर्फ 3G फोन है, 4G फोन नहीं, यानी कि आप जियो के ऑप्शन को नहीं छू सकते, तब आप कौन सा प्लान यूज करेंगे, कौन सी कंपनी को स्विच करेंगे या किस कंपनी का डेटा प्लान आप यूज करने वाले हैं। तो पहले बात करूंगा मैं जियो से। जियो ने दो ऑफर निकाले 31 मार्च के बंद होने के बाद की, जो उनकी छोटी सी नोटिंग की थी कि बंद होने वाला है लेकिन बंद हुआ नहीं। तो धन धनाधन ऑफर और समर सरप्राइज ऑफर। समर सरप्राइज ऑफर धन धनाधन दोनों में ही कॉमन चीज जो थी वो ये कि दोनों के दोनों आपको 3 महीने की कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज दे रहे हैं और साथ ही साथ फ्री कॉल्स वगैरह। इसके बाद 4वें महीने में आपको प्लान के पैसे जो आपने दे रखे हैं वो अकॉर्डिंग आपका वर्क करने लगेगा। जियो ने दो प्लान निकाले 309 का, उसके अलावा एक 509 रुपए का। 309 के रिचार्ज में आपको मिलता है दोस्तों 1GB और वही 509 के रिचार्ज में आपको मिल जाता है 2GB पर डे का डेटा यूजेस। लेकिन अगर आपको जियो नहीं चूज करना है या आपके पास सिर्फ 3G फोन है तब आप क्या करेंगे। तो यहां चार कंपनियां हैं जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में सब बवाल मचाने की पूरी तैयारी में है, बल्कि तैयारी कर चुकी है, बवाल मचा भी रही है। पहले बात करेंगे बीएसएनएल की। बीएसएनएल ने कुछ नए प्लान्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो रिलायंस जियो से काफी बेटर है अगर मेरी हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि वो डेटा ऑफर जो कर रहा है रिलायंस 1GB 28 दिन के लिए आपको 28GB मिलने वाला। तो यहां पर कई सारे चेंजेस हैं जो बीएसएनएल ने किए हैं और काफी बड़ा प्लान निकाला है, काफी सारा डेटा वो दे रहा है 3G नेटवर्क पे। अगर आप 4G के दीवाने तब तो फिर आपके लिए बेकार। चलिए आगे बात करते हैं बीएसएनएल की। बीएसएनएल ने एक प्लान लॉन्च किया है 333 रुपए का, जहां पर वो 90 दिनों तक हर दिन 3GB का डेटा दे रहा है। जी हां, 3GB का डेटा हर दिन 333 रुपए में, यानी कि 309 रुपए का। अगर आप जियो धन धनाधन ऑफर नहीं लेते हैं या आप 3G फोन यूजर है तो आपके पास एक बीएसएनएल का ऑफर है 333 का रिचार्ज करना है और आपको यहां पर मजे उड़ाने हैं बहुत कायदे से। इसके अलावा बीएसएनएल ने एक और ऑफर जो है वो लॉन्च किया है, वो है 349 रुपए का, जहां आपको वो देता है डेली 2GB का डेटा और साथ ही साथ इस डेटा प्लान का बीएसएनएल ने नाम रखा है दिल खोल के डेटा बोल। तो भैया दिल खोलो और डेटा बोलो, लेकिन यहां पर सिर्फ 349 में 2GB मिल रहा है। अभी भी जियो से ये महंगा है लेकिन डेटा के मामले में बहुत सही, क्योंकि वहां 509 मिल रहा था, यहां पे 309 की नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ उसे 349 रुपए मिलेगा। इसके अलावा बीएसएनएल ने एक और प्लान भी बताया है 395 रुपए का, जहां पर आपको मिल जाता है कई सारे ऑफर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये दो प्लान नहीं देते, एक जो 333 रुपए का, 349 रुपए, एक बीएसएनएल ने और प्लान इंट्रोड्यूस किया जिसमें आपको मिलता है तकरीबन 2GB का डेटा डेली यूज करने के लिए। अगली कंपनी जो हमारी है वो है एयरटेल। एयरटेल ने भी दो प्लान इंट्रोड्यूस किए हैं जियो को। पहला प्लान जो है वो 244 रुपए का, जहां पर वो डेली 1GB डेटा देगा, लेकिन यहां कंडीशन उसकी है कि 500MB दिन में और 500MB रात में। कुछ स्पेसिफिक यूजर्स को माई एयरटेल ऐप के थ्रू डेली का 1GB डेटा मिल रहा है, दिन में ही रात में नहीं। वही एक और प्लान एयरटेल का 349 रुपए का, जहां आपको सेम यही फीचर्स मिलते हैं लेकिन वो वैलिडिटी 70 डेज की जगह 90 डेज की है और वहां पर भी आपको 1GB का डेली डेटा मिलता है। जो अब बात करते हैं वोडाफोन की, तो भैया बाहर से आई वोडाफोन और वोडाफोन ने भी नैया में डूबने की तैयारी कर ली है और कीचड़ में उतर गया इस लड़ाई वाले कीचड़ में। 352 रुपए में 52 दिनों तक के लिए डेली 1GB। इसके अलावा वोडाफोन जो है 12 महीनों के लिए 36GB का डेटा अलग से दे रहा है अपने यूजर्स को जो 4G पर आकर स्विच कर रहे हैं। तो यहां वोडाफोन ही बहुत सारी कलाकारियां कर रहा है, तो भैया जियो संभल के रहो क्योंकि यहां आपको जीने नहीं देंगे बहुत सारे लोग। अब एक आखिरी कंपनी बाकी रह गई है हमारे आदित्य बिरला ग्रुप वाले, यानी कि आइडिया वाले। आइडिया को कोई आइडिया नहीं मिला तो उन्होंने एक छोटा सा आइडिया किया और फिर आइडिया ने दो प्लान इंट्रोड्यूस किए। 297 रुपए का एक प्लान इन्होंने निकाला और उसके अलावा 447 रुपए का एक और प्लान निकाला। 297 वाले प्लान में इन्होंने 1GB डेली डेटा देना है और ये डेटा चलेगा बिल्कुल जियो की तरह 3 महीनों तक। वहीं 447 रुपए वाला जो डेटा प्लान है आपको डेली 1GB डेटा देंगे, वहां पर भी डेली 1GB डेटा देंगे और सिर्फ 70 दिनों तक के लिए। तो चार कंपनीज और अपनी जियो एक तरफ। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू मी मुझसे पूछा जाए कि सबसे बेटर ऑप्शन आपको कौन सा लगा, मेरे हिसाब से तो जियो भैया हर तरह से बहुत सही, क्योंकि 4G नेटवर्क पे आपको 1GB डेटा मिल रहा है जिसकी स्पीड यार वाकई में सही है। अगर एयरटेल के उस झूठे वाले ऐड पटा दिया जाए तो स्पीड में इतना बुरा नहीं है, कहीं कहीं कभी कभी प्रॉब्लम आती है नेटवर्क, उतना फ्लक्चुएशन होता रहता है स्पीड का, लेकिन जियो यार हर तरह से सही है। 309 रुपए में जो दे रहा है बहुत सही दे रहा है। एयरटेल की 244 का एक प्लान जो सस्ता है, लेकिन वहां पर कंफ्यूजन और प्रॉब्लम जो है वो यही है कि 500MB डे में देगा, 500MB नाइट में देगा।
तो 4-5 की लड़ाई में मेरा थम्सअप जाता है जियो की तरफ। अगर आपका थम्सअप भी जियो की तरफ है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपका थम्सअप बाकी किसी उन 4 चुरुआ कंपनियों की तरफ है जो सिर्फ लूटते हैं तो थम्स डाउन करें इस वीडियो को। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और अगली वीडियो के लिए बने रहे, और बताएं कि ये तरीका आपको कैसा लगा कैमरे के सामने अच्छे से डिटेल में किस समझाने का। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और अपने सजेशंस कमेंट में देना ना भूले। धन्यवाद आप सबों का इस वीडियो को देखने के लिए, और दोस्तों प्लीज कमेंट जरूर दें, सजेशन मुझे आपका चाहिए।